हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे पास नया एक टीवी आया हुआ है जो नीडा कंपनी का है, 21 इंच का है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तो चलते और देखते हैं। ये हो गया हमारा लाइनिंग, इस पर लाइन पर लगाते हैं। लाइन आ गया है, हमारा पिक्चर ट्यूब पर लाइट आ गया है। और देखते हैं इस पर पिक्चर इनकर कर, तो ये भी का तार हम लगाते हैं इसमें। तो ऑडियो वीडियो का तार हम लगा दिए हैं और हमारा पिक्चर भी आ गया है। पिक्चर में है कि डबल इमेज जैसा आ रहा है। तो चलते हैं और इसको बनाते हैं। लगता है कि हमको ये हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम है, तो चलते हैं और हॉरिजॉन्टल पर सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं और कैबिनेट को पीछे से निकाल कर देखते हैं। तो कैबिनेट को हम बाहर निकाल दिए और बोर्ड पर निकालते हैं अंदर से। ये हो गया हमारा, ये हो गया स्पीकर का वायर, इसको आउट कर देते हैं और देखते हैं इसमें। सबसे पहले फिजिकली देखते हैं कि कोई हमारा कंपोनेंट तो ख़राब नहीं है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन को। तो देखते हैं इसमें, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल का सेक्शन। तो इसमें देखते हैं कोई कंपोनेंट तो हमारा ख़राब नहीं है। ये कंपोनेंट तो ख़राब जैसा लग रहा है जो कि यहाँ पर है। ये अंदर है, ये अंदर है, आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है जो कि हमारा थोड़ा फूला हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको निकाल कर और चेंज कर कर देखते हैं। तो चलते हैं और इसको सबसे पहले निकालते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा फूला हुआ है जो कि यानी कि 4.7 EV और 250 वोल्टेज का ये हमारा इधर से फूला हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर कर दूसरा लगा कर देखते हैं। तो चलते और लगाते हैं। तो ये स्क्रैप बोर्ड से हम एक निकाले कैपेसिटर हो गया ये, इसका ये भी उतना ही का है, 4.7 EV 250 वोल्टेज। तो क्या करेंगे कि हम इसको उसमें लगा कर देखते हैं। तो चलते हैं और लगाते हैं। ये हो गया हमारा, और इस पर हम माइनस प्लस देख कर लगाएंगे, नहीं तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा। तो माइनस प्लस देख कर हम लगा रहे हैं, आप भी माइनस प्लस देख कर लगाइएगा। तो कैपेसिटर हम लगा दिए और इस बोर्ड को हम फिर रखते हैं सीधे कर कर, साउंड को भी लगा देते हैं और ऑडियो वीडियो जैक को भी हम लगा दे रहे हैं। तो हम लगा दिए और देखते हैं आगे पिक्चर हमारा ठीक हुआ कि अभी खराब है। तो ऑडियो वीडियो जैक लगाते हैं इसमें। ये हो गया हमारा वीडियो, ये दोनों हो गया ऑडियो। तो इसको भी लगा दिए और पिक्चर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको लाइनिंग देते हैं टीवी को। तो लाइनिंग दे दिए, तो लाइन दे दी है। लगता है कि हमारा टीवी ओके हो गया है, सिर्फ इसमें खराबी लग रहा था वही कैपेसिटर जो 4.7 और 250 का कैपेसिटर लगा हुआ था, तो वही हमारा ख़राब था। तो उसको हम चेंज कर दिए तो हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो गया जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगा हुआ था।
तो आज के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।